इस इंटीग्रेशन में ट्रिक ये है कि हम इस कोसेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब जब टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 10x की पावर 20 24। कॉट स्क्वायर एक्स इससे कट होने पर 2 टेन हटा देगा, ये बन जाएगा 10x की पावर 20 22। अब अगर अपन यहाँ से 10x की पावर 20 22 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो अब अगर आप 10x को t लेंगे तो ये dt बन जाएगा, t की पावर 20 22 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर 20 23 अपॉन 20 23 प्लस c।